Hello everyone, in this video you will get to know what is type conversion and type casting in Python. आप इस वीडियो में देखेंगे कि type conversion और type casting क्या होता है, okay? The process of converting the value of one data type to another data type is called type conversion. जब एक data type की value को दूसरे data type में convert किया जाता है तो उसे type conversion कहा जाता है. Python has two types of type conversion. Python में दो type के type conversion हैं, implicit type conversion and explicit type conversion. Implicit type conversion. In implicit type conversion, Python automatically converts one data type to another data type. Implicit type conversion में Python अपने आप एक data type को दूसरे data type में convert कर देता है. यहाँ पे user का कोई involvement नहीं होता. Okay? This process doesn't need any user involvement. Okay? Python promotes the conversion of lower data type to the higher data type. Python क्या करता है? Lower data type को higher data type में convert करता है to avoid डेटा लॉस, जिससे कि डेटा का लॉस ना हो. अब यहां पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि पाइथन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे करता है. ओके, तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसकी वैल्यू मैंने दे दी 25, राइट. अब दूसरा वेरिएबल लिया बी, उसको हम दे देते हैं 2.5. ओके, तो जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या है? इंटीजर है, राइट. अगर आप देखना चाहते तो आप देख लो, टाइप ए, राइट. फर्स्ट वेरिएबल आपका इंटीजर है, सेकंड वेरिएबल आपका क्या है? टाइप बी. सेकंड वेरिएबल आपका फ्लोट है. ओके, अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया. ओके, और रिजल्ट को हमने सी में पास करा दिया. ओके, ए प्लस बी. ओके, अब सी में क्या स्टोर होगा? ए प्लस बी का रिजल्ट स्टोर होगा, राइट. अगर मैं सी को प्रिंट कराती हूँ तो यहाँ पर 27.5 आ गया, राइट. अब देखो सी का डेटा टाइप क्या है, टाइप सी. सी का डेटा टाइप है फ्लोट. तो ये क्या है? ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है. यहाँ पे एक वैल्यू इंटीजर थी, दूसरी वैल्यू फ्लोट थी. तो पाइथन ने क्या किया, जब इंटीजर एंड फ्लोट को आपने ऐड किया है तो पाइथन ने क्या किया, रिजल्ट क्या दिया है? फ्लोट दिया है, राइट. क्योंकि पाइथन क्या करता है, इट प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप. कन्वर्ट कर देता है लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में. यहां पे अब क्या बन चुका है, इंटीजर को इसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, फाइन. तो यहां पे जो कन्वर्जन हुआ वो कौन सा हुआ? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, राइट. अब अगर देखो मैं चाहती हूँ एक और कन्वर्जन करना, तो मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ली 1, 2, 3, राइट. और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने ले लिया स्ट्रिंग 4, 5, 6, राइट. अब देखो टाइप देख लेते हैं हम. टाइप ए का टाइप क्या है? इंटीजर है. एंड बी का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है. ओके, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करूँगी तो क्या होगा, दोनों को ऐड करने की कोशिश करूँगी तो टाइप एरर आ जाएगी, ठीक है. क्योंकि पाइथन इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यहाँ वर्क नहीं करेगा. देखो मैंने एंटर प्रेस किया, टाइप एरर आ गया है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट एंड स्ट्रिंग, फाइन. तो वो केसेस जहाँ पे पाइथन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं करता है वहाँ पे यूज़र खुद से टाइप कन्वर्जन कर सकता है, ओके. और जहाँ यूज़र कन्वर्जन करता है, टाइप कन्वर्जन करता है, उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ओके. तो अब हम देखेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर कन्वर्ट्स द डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड डेटा टाइप. ओके, जहाँ पे पाइथन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं कर रहा है वहाँ पे यूजर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकता है, मतलब खुद से टाइप कन्वर्जन कर सकता है, राइट. यूजर कैन कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. We use the predefined functions like int, float, string, etc. to perform the explicit type conversion. तो explicit type conversion करने के लिए आप predefined functions का use करते हो, जैसे आपका int function हो गया, float function, string function, राइट. प्रीडिफाइंड फंक्शन मीन्स जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, आपको सिर्फ उनको यूज़ करना है, फाइन. यहाँ पे फंक्शन को आप क्रिएट नहीं करोगे, आपको सिर्फ इन फंक्शंस को यूज़ करना है, ओके.
दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है बिकॉज द यूजर कास्ट और चेंजेस द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यूजर कास्ट करता है, चेंज करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, राइट. अब इसका सिंटेक्स क्या है, रिक्वायर्ड डेटा टाइप. ओके, जो भी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो एन एक्सप्रेशन, जिसको भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट. ये मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगी. टाइप कास्टिंग कैन बी डन बाय असाइनिंग द रिक्वायर्ड डेटा टाइप फंक्शन टू द एक्सप्रेशन. ओके, तो ये क्या कह रहा है कि टाइप कास्टिंग करने के लिए आप फंक्शन के अंदर पास करोगे वैल्यू को और वो फंक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चेंज कर देगा. इंट फंक्शन इंटीजर में चेंज करेगा, फ्लोट फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा. ओके, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. अब हम क्या करते हैं, जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है. तो ए लिया मैंने अगेन 1 2 3, बी ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा है यहाँ पे 4 5 6, राइट. अब देखो टाइप देख लेते हैं, टाइप आपका ए का क्या है, इंटीजर, ठीक है. एंड टाइप बी का क्या है, स्ट्रिंग. ओके, अभी आपने देखो टाइप कास्टिंग नहीं की है तो बी का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगी, टाइप कास्टिंग करूंगी. मैंने यहां पे लिया वेरिएबल बी इक्वल्स टू इंट बी. ओके, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंट फंक्शन के अंदर बी को पास कर रहे हैं. तो बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेरिएबल बी के अंदर ही जाके स्टोर हो जाएगा. ओके, राइट. अब अगर मैं देखूं टाइप बी का, अगर मैं टाइप देखती हूँ, अब क्या हो गया, इंट, राइट. पहले क्या था बी का टाइप, बी का टाइप था स्ट्रिंग, अब बी का टाइप क्या हो गया, इंट. तो यहाँ पे आपने ये जो किया है बी इक्वल्स टू इंट बी, ये क्या है, ये आपने टाइप कास्टिंग किया है, राइट. आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग द इंट फंक्शन, टाइप कास्टिंग, राइट. ओके, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इसको एक्सप्लिसिट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यूजर यहाँ पे खुद से ये काम कर रहा है, पाइथन नहीं कर रहा है यहाँ. ओके, तो ये दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ओके, अब अगर हम देखें इन दोनों का एडिशन होता है, हो गया एडिशन. ओके, बिकॉज जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू थी 456, वो किस में कन्वर्ट होगी, इंटीजर में कन्वर्ट होगी, राइट. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए पाइथन आपको बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है. आप उन फंक्शन को यूज करके टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है इंट फंक्शन, ठीक है. तो इंट फंक्शन से क्या होगा, आपके पास कोई भी अगर फ्लोट वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है, आप इंट फंक्शन की हेल्प से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ. मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 2.5 लिखा, 2.5, ठीक है. क्या है, फ्लोट वैल्यू है. आप टाइप देख लो, टाइप ऑफ ए क्या है, फ्लोट, राइट. अब अगर मेरे को इसमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मैंने कर दिया इंट फंक्शन में, मैंने इसको पास कर दिया ए की वैल्यू को और उसको अगेन मैंने ए में ही स्टोर करा दिया है, ठीक है. नाउ अब अगर आप टाइप देखोगे, टाइप ऑफ ए, राइट, तो क्या आ गया, इंट आ गया है. और अगर आप वैल्यू देखना चाहते हो ए की, तो अभी इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, राइट. तो वैल्यू आ गई है 2, जो डेसिमल वाला पार्ट था वो हट चुका है, राइट. तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई है 2. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर, राइट. अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का कन्वर्जन करते हैं. अगेन मैंने ए ले लिया और उसमें मैंने कोट्स में ले लिया 99, राइट. ये आपका जो 99 है वो क्या, स्ट्रिंग वैल्यू है. आप टाइप देख लो, टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग, राइट. ओके, नाउ हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंट, राइट, ए, फाइन. अब देखो, आप टाइप देख लो, टाइप ऑफ ए इंट है, फाइन. और अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो दिस इज 99. ओके, तो इंट फंक्शन की हेल्प से आपने क्या किया, यहाँ पे पहले आपने फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट किया इंटीजर में, फिर आपने स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट किया है इंटीजर में. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोट फंक्शन. फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में और स्ट्रिंग वैल्यू, वो स्ट्रिंग वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है उसको भी कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, राइट. तो एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं. मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए और उसमें मैंने वैल्यू दी है 45, ठीक है. अभी देखो टाइप ऑफ ए देखते हैं, टाइप ऑफ ए क्या है, हमारा इंटीजर,
इंट आ गया। अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराती हूँ तो 45, राइट। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, इक्वल्स टू FLOAT फ्लोट, फ्लोट फंक्शन के अंदर हमने ए को पास कर दिया, राइट, ओके। अब अगर हम टाइप देखेंगे ए का, तो क्या है फ्लोट, पहले ए का टाइप क्या था इंट, अब ए का टाइप क्या है फ्लोट, राइट। और अगर आप वैल्यू प्रिंट कराओगे ए की, तो देखो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है 45.0, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीजर वैल्यू आपकी फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी है, फाइन। अब मान लो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है ए इक्वल्स टू 24.5, राइट, मेरे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू है 24.5, राइट। देखो टाइप देख लो इसका, टाइप ए स्ट्रिंग है, ओके, टाइप ए क्या है स्ट्रिंग है, आपको पता है कोई भी वैल्यू जब सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या मल्टीपल ट्रिपल कोट्स में होती है, नॉट मल्टीपल ट्रिपल कोट्स में होती है, वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे आपका 24.5 क्या है स्ट्रिंग है, फाइन। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी फ्लोट में, इसके लिए आप क्या करोगे, ए इक्वल्स टू फ्लोट और फ्लोट में ए की वैल्यू पास कर दो, राइट। कन्वर्ट होके कहाँ चली जाएगी, ए वेरिएबल के अंदर ही चली जाएगी, फाइन, ओके। अब अगर मैं टाइप देखती हूँ, टाइप ऑफ ए फ्लोट, पहले टाइप ऑफ ए क्या था स्ट्रिंग, अब टाइप ऑफ ए क्या है फ्लोट, राइट। और अगर आप वैल्यू प्रिंट कराओगे ए, तो देखो 24.5 आ गया यहाँ। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, फाइन। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल देती हूँ नम, नम में आप वैल्यू स्टोर करा दो 25 क्या है इंटीजर है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ नम, ठीक है, पहले क्या था टाइप, राइट। और यहाँ पे आप वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट नम, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, नम को कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, str num, राइट, टाइप कास्टिंग हो गई है। देन टाइप कास्टिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन में आपने नम की वैल्यू को पास किया है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो नम में ही जाके स्टोर हो जाएगा, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम नम का डेटा टाइप देखते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रिंट टाइप नम, ओके, एंड अब इसको प्रिंट भी कराते हैं, प्रिंट नम। अब देखो स्ट्रिंग बनने के बाद वो कैसे प्रिंट होगा, फाइन। तो इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल एस, D1 तो है ऑलरेडी, D2 ले लेते हैं, सेव, ओके एंड रन। अब देखो पहले इसकी क्लास क्या आई है इंट, और यहाँ पे आ गया 25, देन उसकी क्लास क्या आई है स्ट्रिंग, ओके एंड 25। अगर आप इसको सिंपली प्रिंट, अगर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन नहीं होता, राइट, तो यहाँ पे ये क्या आता है, जो 25 वैल्यू है वो कोट्स में आती, राइट। तो देखो स्ट्रिंग फंक्शन से क्या कन्वर्ट हुआ है, पहले जो इंटीजर वैल्यू थी, ओके, वो कन्वर्ट हो गई है अब स्ट्रिंग वैल्यू में, फाइन। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, फ्लोट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने 25.5 कर दिया इसको, 25.5, ओके। और ये जो पूरा प्रोग्राम है एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हमने पहले देखेंगे टाइप इसका, राइट, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के स्ट्रिंग फंक्शन में पास करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन अगेन उसका टाइप देखेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, रन, रन मॉड्यूल। अब देखो आ गया फ्लोट, आ गया, पहले इसका टाइप क्या था फ्लोट, देन आपकी क्लास आ गई स्ट्रिंग, राइट। अब ये जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, आपका 25.5 अभी फ्लोट नहीं है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है, इट रिप्रेजेंट अ नंबर अकॉर्डिंग टू द ASCII कोड, राइट। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने एक इंटीजर वैल्यू ली 90, ओके, और अब मैं इसको क्या कन्वर्ट करा दूंगी, मैं इसको करेक्टर में कन्वर्ट करा दूंगी, इस वेरिएबल को मैं करेक्टर, जो 90 वैल्यू है, ओके, ASCII कोड में जहाँ पे भी 90 वैल्यू जो भी पर्टिकुलर सिंबल के लिए होगी वो सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज हम उसे किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, इस इंटीजर वैल्यू को हम करेक्टर में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये कैर क्या करेगा, नंबर को अकॉर्डिंग टू द ASCII करेक्टर सेट कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं प्रिंट करती हूँ, तो यहाँ पे देखो जी आ गया है, राइट।
बिकॉज एस्की में क्या है, एस्की कोड के अंदर 90 इज कंसिडर्ड एज कैपिटल जी. ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं एक बार. टाइप कन्वर्जन इज द कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. टाइप कन्वर्जन किसी भी वैल्यू का एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है, राइट. टाइप कन्वर्जन में किसी भी वैल्यू को वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, राइट. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द पाइथन इंटरप्रेटर. जो कन्वर्जन पाइथन खुद करता है, पाइथन का इंटरप्रेटर इंटरनली करता है, उसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है. इसमें यूजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. पाइथन अवॉइड्स द लॉस ऑफ डेटा इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में पाइथन ये कोशिश करता है कि डेटा का लॉस ना हो. तो जैसे इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना, राइट. तो ये क्या इसका एग्जाम्पल है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है. The data types of objects are converted using predefined functions by the user. Explicit type conversion के लिए user predefined functions का use करता है, like int function, float function, string function, char function, right? In type casting, loss of data may occur as we enforce the object to a specific data type. Type casting में जो user खुद से करता है, loss of data हो सकता है, right? Okay? Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.